एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं जो कई हद तक मर्दों में पाए जाते हैं और वो इन प्रॉब्लम से बहुत परेशान भी होते हैं। हम जल्दी गिरने की समस्या के बारे में बात तो करते हैं, बट ये जल्दी गिरने की समस्या होती है ना, बहुत लोगों में होती है और बहुत लोगों में ऐसा होता है कि वो इसको डेवलप करते हैं। जिन लोगों में होता है उनको दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर जिन लोगों में नहीं होता है कुछ रीज़न की वजह से वो जल्दी गिरने की समस्या को डेवलप कर लेते हैं, जल्दी जल्दी खुद ही गिरा देते हैं। इसके पीछे बहुत सारे वजह है, उसमें से सबसे पहली जो वजह होती है वो है इरेक्शन इशू, यानी कि खड़ा नहीं होना, और या फिर अगर हो भी रहा है तो बहुत कम समय के लिए हो रहा है, बीच में ढीला पड़ जा रहा है, वो ज़्यादा देर तक नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जितने देर भी मेरा हार्डनेस है मैं उसी के अंदर भाई जल्दी जल्दी कर लूँ और डिस्चार्ज कर लूँ। बहुत सारे मर्दों को ये शिकायत हो रही है आज के डेट पे। इसके पीछे वजह गलत लाइफस्टाइल है, गलत डाइट है, अल्कोहल लेना है, सिगरेट पीना है, रात को देर तक जग जर के काम करना हो, मूवी देखना हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। पर ये समस्या आजकल एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। क्या आप कर सकते हो, नेचुरल तरीका क्या है, क्या आप सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं जो भी आपको बताऊंगी वो बिना साइड इफेक्ट के आपकी बॉडी में काम करेगा। और मैं कोई ड्रग आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज वो मेरे हाथ पे नहीं है, मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैं कभी करती भी नहीं हूँ। मैं वही आपको बताऊंगी जो साइड इफेक्ट करे बिना आपके बॉडी में काम करता है, आपको रिजल्ट देता है। सबसे पहले जो रीज़न होती है ना, मैंने पहले कहा, वो होता है इरेक्शन इशू, यानी कि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि इरेक्शन प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वो अर्ली डिस्चार्ज को डेवलप कर रहे हैं। पहले उनका अर्ली डिस्चार्ज नहीं था, पहले वो जल्दी गिरने की समस्या नहीं थी, पर धीरे धीरे उनको जल्दी गिरने की समस्या भी हो रही है, और पहले पहले तो इरेक्शन इशू था ही। तो इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम उनके बॉडी में क्रिएट हो रहा है, इससे वो निजात कैसे पाए, देखिए पहले एक एक चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इरेक्शन इशू को सॉल्व करना पड़ेगा, आपकी हार्डनेस बरकरार रहे लंबे समय तक, ये आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए दो तीन चीज़ें आपको अभी से शुरू करनी है, अभी से। पहला, कीगल एक्सरसाइज करना अभी से शुरू करो। अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी आपको यही सलाह देंगे कि आप रोज कीगल एक्सरसाइज करो। बहुत सारे वीडियोस में आप देखोगे ये करो वो करो ऐसे तरीके से यो योगासन, ऐसा कुछ नहीं होता है। कीगल एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बट लोग इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते, पता नहीं ये क्या है, क्या पहाड़ तोड़ने वाली चीज़ है कि हम भाई कैसे कर लेंगे। कोई बात नहीं है, कैसे करना है अगर आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो तो एक तरीका होता है जो लोग बताते हैं कि आप बाथरूम में जाओ, यूरिन को होल्ड करो, फ्लो में आने वाले यूरिन को होल्ड करो। जब होल्ड करोगे ना, आप देखोगे कि जो आपका एनस का एरिया है, आपके प्राइवेट पार्ट का एरिया है, यहाँ पे आप कुछ मसल को अंदर की तरफ खींच रहे हो। अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया ना, अगर आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि आप कौन से मसल को खींच रहे हो, तो आप नेचुरली ऐसे में बैठे हुए हो ना, ऐसे बैठे बैठे भी आप कीगल एक्सरसाइज को कर सकते हो। ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, बस में सफ़र कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, जाते जाते आते आते बैठते बैठते कहीं भी कीगल एक्सरसाइज कर सकते हो। ये कीगल एक्सरसाइज करने से पता है क्या होता है कि आपकी जो होल्डिंग पावर है वो बढ़ जाती है। दूसरी बात कि आपके जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेंथ होते हैं, जो वेन्स होता है वो स्ट्रेंथ होते हैं, इसकी जो लॉन्गजिबिलिटी होती है बढ़ती है, इसका काम करने का जो ताकत है वो बढ़ता है। इसीलिए कीगल एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद है। आप चाहो तो आप सुबह आधा घंटा कीगल एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, बहुत बेनिफिशियल होता है। क्या जाता है अगर आप कीगल एक्सरसाइज करते हो तो, इसको कीगल एक्सरसाइज कहा जाता है कीगल के नाम पे, बट ये हमारे आयुर्वेद में बहुत पुरानी योगासन है जो कीगल एक्सरसाइज में भी ट्रांसफर हुआ है नाम जो है। खैर, दूसरी जो चीज़ आप कर सकते हो इरेक्शन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए वो है मसाज। अपने प्राइवेट पार्ट की डेली मसाज करो, क्योंकि बहुत बार वेन्स के डैमेज होने की वजह से, उसमें लीकेज होने की वजह से आपका इरेक्शन जो है वो होल्ड नहीं हो पाता, यानी कि ब्लड आता तो है बट वो निकल जाता है, वो होल्ड नहीं हो पाता कुछ लीकेज होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से, वेन्स डैमेज हो सकते हैं, नर्व्स ले प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से। तो अगर आप रोज़ के रोज़ अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करते हो, चाहो तो आप जैतून का तेल ले लो, आप सरसों का तेल ले लो, या फिर आप लॉन्ग ऑयल के साथ कोकोनट ऑयल को भी मिला सकते हो, सिंपल कोकोनट ऑयल से भी कर सकते हो, नारियल का तेल जो होता है ये बहुत बेनिफिशियल होता है आपके लिए, बहुत फ़ायदा करता है। रेगुलर प्राइवेट पार्ट के मसाज देने से आपको ये फ़ायदा होगा कि
धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम्स है इसे आप ओवरकम करोगे। और इसके साथ साथ बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाना भी बहुत ही जरूरी है। आप चाहो तो मिस्ट्रेस बोल्ड फॉर मैन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें दो ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स है जो इरेक्शन इश्यूज को तेजी से सॉल्व करने में काफी मदद करता है। इसमें लिविजा है और सफेद मुसली है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जिसका मेन काम है आपके बॉडी में जो ब्लड फ्लो की कमी होती है, जिसको इसे बहुत प्राइवेट पार्ट पे ब्लड ही नहीं जाता, उस कमी को ये दूर करता है। आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को तेजी से बढ़ाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड को तेजी से प्रोड्यूस करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें सफेद मुसली है जो आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करता है। और जब भी आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो नेचुरली आपके बॉडी में ब्लड फ्लो भी बढ़ेगी, आपका स्पर्म काउंट बढ़ेगा और जो इरेक्शन इश्यूज है वो तेजी से सॉल्व करने में काफी मदद मिलती है। और इसके साथ साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से प्राइवेट पार्ट की मसाज करो। आप चाहो तो कोई तेल के जगह आप इस क्रीम से भी प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसका मेन काम है आपके प्राइवेट पार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उसको ये रिपेयर करता है, क्योंकि इसमें एलर्जेनाइन होता है और इसमें लॉन्ग ऑयल भी होता है जो आपकी हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि आपकी जो गिरने की प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने में मदद करता है। तो अगर आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे कॉल करके भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ चीजों पे आपको फोकस करनी बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो आपकी इरेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व हो और आपकी जो अर्ली डिस्चार्ज की समस्या है वो भी सॉल्व हो। वो है कि आप आज से अभी से अल्कोहल और सिगरेट को जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करो, क्योंकि ये आपके स्ट्रेस डिप्रेशन को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है, क्योंकि ये आपके बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन को घटाता है। जब भी आपका टेस्टोस्टेरोन घटेगा तो आपका जो खड़ा होने का जो प्रॉब्लम है ये और बढ़ेगा, प्रीमैच्योर डिस्चार्ज भी कभी सॉल्व नहीं होगी। अपने डाइट पे फोकस करो भाई, घर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बाहर खाना ही खाए, इससे स्टैंडर्डिटी नहीं बनती। घर का खाना खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ फल वगैरह खाओ। फल में आप क्या ले सकते हो, तरबूज, अनार, आम। इसके साथ साथ आप हरी सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, विटामिन्स होते हैं जो आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। मैं नहीं, आप किसी भी अच्छे से डॉक्टर से भी कंसल्ट करोगे ना, वो भी यही बताएंगे जो आज मैंने कहा। यकीन नहीं आता तो किसी भी अच्छे से डॉक्टर से आप कंसल्ट करके देख सकते हो, फिर आप खुद बोलोगे नहीं ऋतु ने जो भी कहा सच कहा। और जिस दिन आपका इरेक्शन प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा ना, आपकी जो ये पी की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे नेचुरली सॉल्व होगी, क्योंकि पी की प्रॉब्लम आपने खुद अपने बॉडी में डेवलप किया है, आपका पी की प्रॉब्लम पहले नहीं था। तो जब आपका इरेक्शन लॉन्ग टर्म तक धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा तो वैसे ही आप फिर जल्दी गिराना भी नहीं चाहोगे, जल्दी डिस्चार्ज भी नहीं करना चाहोगे। और आप अगर देख रहे हो कि आपका इरेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है फिर भी आपका जल्दी गिर रहा है तो आप स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि जब आपका गिरने वाला है तो आप वहीं पे रोक दो। आप चाहो तो कैप सेक्शन की मालिश कर सकते हो लौंग के तेल से, नारियल का तेल और लौंग के तेल से कैप सेक्शन की मालिश कर सकते हो। अदरवाइज अपने हाइजीन का थोड़ा सा ध्यान रखो, इससे ही बहुत बार होती है। तो पहले अपने इरेक्शन को सॉल्व करो, इरेक्शन सॉल्व होगा तो पी की प्रॉब्लम नेचुरली सॉल्व होगी। अगर आपको ये समस्या है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी इरेक्शन इशू है जिसकी वजह से उनको पी की प्रॉब्लम हो रही है, पी की प्रॉब्लम उनको नहीं थी पहले, ये वीडियो उस पर ही हाईलाइटेड है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।